down. Hello friends, welcome to my channel Shankar Sars Humanities. In today's video, we will discuss the PIL and judicial activism. This is the last video of 11th political science for judiciary chapter. Okay, तो इसमें हम discuss simply करेंगे PIL क्या है, उसका benefits and negatives क्या है, फिर हम दिखेंगे judicial activism क्या है और उसका benefit and उसका negatives क्या-क्या है. पहले हम discuss करते हैं judicial activism. Judicial activism. पहले समझ लेते हैं judicial activism होता क्या है. सिंपल सी बात है, nowadays judiciary is trying to intervene in the actions of the executive as well as the legislature. ठीक है, मैं क्या बोला, nowadays judiciary is actively intervening or participating in the actions of executive and legislature, the other two organs of the government. This tendency is called judicial activism. सिंपल सी बात है, जुडिशियरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना और एडजुडिकेट करना, लेकिन जुडिशियरी क्या करता है आजकल, वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर कर रहा है, इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है, ना हम पहले डिस्कस कर लेते हैं उसका पॉजिटिव्स, फिर डिस्कस कर लेंगे उसका नेगेटिव. पहले पॉजिटिव बात इसमें क्या है, ना द पीपल विल एबल टू एंजॉय देयर राइट्स. अभी लोगों का जो राइट्स है वो इंप्लीमेंट हो पाएगा, दे कैन इफेक्टिवली, पहले क्या है ना, राइट्स इंप्लीमेंट हो पाएगा प्रॉपरली. और क्या होगा सेकंड, और भी इंपॉर्टेंट एक बात चीज होता है, और क्या होता है इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म में, और बेनिफिट क्या होता है ना, इट कैन चेक द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इफेक्टिवली. जो अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाता है जुडिशियरी थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, इफेक्टिव कंट्रोल. ठीक है, ये है उसका बेनिफिट, किसका, जुडिशियल एक्टिविज्म का. लेकिन उसका नुकसान भी है जुडिशियल एक्टिविज्म का. क्या जुडिशियल एक्टिविज्म का नुकसान है, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि मान लो कोई इशू होता है हम किसके पास जाए, क्योंकि हमें पता है हमारा कंट्री में डिवीजन ऑफ पावर है, हम किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हैं, जब हमारे पास कोई चीज को इंप्लीमेंट करना है, कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है तो इसको एग्जीक्यूटिव करता है, जब हमें लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर करता है. लेकिन अभी मान लो एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ने इंटरफेयर करेगा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, तो ऑब्वियसली एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम कहां जाए, जो डिवीजन ऑफ पावर है वो नहीं रहेगा. और क्या होगा, लॉन्ग रन में ये डिवीजन ऑफ पावर को खत्म कर देगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. डिवीजन ऑफ पावर होना जरूरी है ताकि इफेक्टिवली चेक एंड बैलेंस हो पाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये डिवीजन ऑफ पावर को भी खत्म कर देगा. ये उसका नेगेटिव, किसका, जुडिशियल एक्टिविज्म का. क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन आएगा इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है. क्लियर हो गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दिखेंगे कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, ये जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ये क्या होता है ना, द पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कैन फाइल ए सूट इन फेवर ऑफ, और यू कैन से ऑन बिहाफ ऑफ द इलिटरेट, और यू कैन से द पुअर पीपल. तो क्या हुआ, मान लो कोई पुअर पीपल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, यहां उनकी बिहाफ से एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकता है पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन. सिंपल डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, ए पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कैन फाइल ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर एंड इलिटरेट पीपल इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. उसका पॉजिटिव क्या है, फिर उसका नेगेटिव क्या है. उसका तो पॉजिटिव ये है कि राइट्स, द राइट्स ऑफ द पुअर एंड इलिटरेट पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, विल बी सेव्ड थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
वो गरीब लोग है, वो उनको पता ही नहीं था कैसे जाना है कोर्ट, या वो डरते थे जाने के लिए कोर्ट, अभी उनका राइट्स क्या हो पाया, प्रोटेक्ट हो पाया। ये बेनिफिट होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। और क्या होता है, मान लो वो केस नहीं करता, बहुत लोग केस करते, उसकी वजह से कोर्ट का बर्डन क्या हो जाता, बढ़ जाता। इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट बाय मर्जिंग ऑल द मेनी लिटिगेशंस इनटू वन पीआईएल। तो ये बेनिफिट होता है किसका, पॉजिटिव बेनिफिट होता है आपका पीआईएल का। क्या होता है, मर्जिंग ऑफ पिटीशंस, जो पिटीशंस होता है वो मर्ज हो जाता है, वो क्या होता है, बहुत सारे केस मिलके एक केस बन जाते हैं। और पॉजिटिव्स में क्या है, सॉरी नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव ये होता है, बहुत जगह में दिखा गया है इसको क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है टू टेक रिवेंज। बहुत सारे केस में दिखा जाता है रिवेंज लेने के लिए मिसयूज करते हैं पीआईएल को। मान लो आपके साथ मेरा एनमिटी है, मैं आपको प्रॉब्लम में डालना चाहता हूं, आपका एक कंपनी है, आपका अगेंस्ट में पीआईएल डाल दूंगा, तो क्या होगा, तो मिसयूज होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। ठीक है, और क्या होता है ना, सेकेंड चीज ये है, तो ये कोर्ट का बर्डन बढ़ा देता है, जब फ्रिवोलस केसेस, जो केस में कुछ नहीं है, मतलब कोई दम ही नहीं है, वो केस ऐसे ही आते हैं, तो वो केस की वजह से क्या होता है, तो कोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है। बर्डन क्या होगा, बर्डन ऑफ द कोर्ट विल इंक्रीज। तो ये उसका नेगेटिव है किसका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। ओके, ये दो चीज आप याद रखेंगे, पहले क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फिर उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव। ओके, बाय दैट द चैप्टर इज ओवर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर द न्यू कमर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम अहेड, बाय।